हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह बौद्ध धर्म का पार्ट टू वीडियो है। पिछला वीडियो जो था उस वीडियो में हम क्या कहते थे कि बौद्ध धर्म के जो प्रतिपादक थे गौतम बुद्ध, उनका हम जीवन परिचय किए थे, उनके द्वारा जो दिए गए कुछ उपदेश थे उस उपदेश के बारे में जाने थे। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिए गए और उपदेश है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि गौतम बुद्ध के द्वारा कौन से उपदेश दिए गए थे। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो आपको सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। यानी कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, या ऋषि पत्नम में। उसके बाद वहीं उन्होंने पांच ब्राह्मणों के साथ मिलकर बौद्ध संघ का गठन किया था। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिए गए अष्टांगिक मार्ग है, या मध्यम प्रतिपदा मार्ग है, या आपको मध्य मार्ग है, उस मध्य मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के जो कुछ सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, बौद्ध संघ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जो अष्टांगिक मार्ग है उस अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध अपना जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे वह दुख को दूर करने के लिए दिए थे। तो उनके अष्टांगिक मार्ग में जो सबसे पहला मार्ग आता है वो आपको क्या आता है? तो सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि कहने का मतलब हुआ कि गौतम बुद्ध जो चार आर्य सत्य दिए थे, उस चार आर्य सत्य के प्रति क्या होना चाहिए कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। यानी कि जो चार आर्य सत्य है उसको हमें अपने वास्तविक जीवन में उतारना चाहिए। तो वह चार आर्य सत्य कौन कौन था? तो सबसे पहला था दुख। तो गौतम बुद्ध के अनुसार ये संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है और इस दुख का कुछ न कुछ कारण है। जैसे हमारा जन्म होना दुख का कारण है, हमारी मृत्यु दुख का कारण है, किसी प्रिय का हमारे जीवन में मिलना दुख का कारण हो सकता है, किसी अप्रिय का मिलना हमारे दुख का क्या हो सकता है? कारण हो सकता है। किसी चीज की चाहत रखना दुख का कारण हो सकता है क्या? तो पहला उनके द्वारा जो दिया गया चार आर्य सत्य था उसमें से पहला जो था वो आपको दुख था। दूसरा था दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण, क्योंकि दुख अकेले नहीं होता है, उसके बहुत सारे क्या होते हैं? कारण होते हैं। फिर है आपको दुख निरोध, अर्थात दुख को दूर करने का जो रास्ता है वो। फिर आपको दुख निरोध मार्ग। तो गौतम बुद्ध ने इन दुख को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किए थे। तो उस अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि करने का मतलब हुआ कि चार जो आर्य सत्य दिए गए उसकी सही परख होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक वाणी, अर्थात हम क्या करें कि हमेशा धर्म सम्मत बातें बोले, मीठी बोली बोले, ताकि लोगों को हमारी बातों से तकलीफ ना हो, हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा तीसरा जो था वह था सम्यक संकल्प, अर्थात भौतिक वस्तु और जो दुर्भावना है उस दुर्भावना का हम क्या कर दे, त्याग कर दे, ताकि हम सही से जीवन व्यतीत कर सके, ताकि सही से हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सके। फिर था आपको सम्यक कर्म। सम्यक कर्म करने का मतलब हुआ हमेशा अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। उसके बाद है आपको सम्यक आजीव, अर्थात सदाचारी जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की जो परेशानी ना हो। उसके बाद है आपको सम्यक व्यायाम, यानी कि विवेकपूर्ण प्रयास और शुद्ध विचार को हमेशा क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अगर हम अपने जिंदगी में शुद्ध विचार का ग्रहण करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है काफी हद तक क्या होती है, सरल हो जाती है। इसके अलावा जो विवेकपूर्ण प्रयास है, अर्थात हम बुद्धिमत्ता से अगर किसी प्रकार का कोई प्रयास करते हैं तो उसका हमें क्या होती है, कोई लॉस नहीं होती है, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था, ठीक है। उसके बाद है सम्यक स्मृति, यानी कि कर्मों के प्रति विवेक, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को क्या होना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा सावधानी हमेशा उस कार्य के प्रति रखना चाहिए, यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से करनी चाहिए। इसके अलावा उस कार्य के प्रति सावधानी रखना चाहिए कि कहीं वो कार्य हमसे गलत ना हो जाए। इसके बाद है आपको सम्यक समाधि, यानी कि चित्त की समुचित एकाग्रता, जिससे हमें क्या हो सके, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। यानी कि जब हम कहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो जब तक हम क्या करेंगे कि अपने दिमाग को स्थिर नहीं करेंगे, अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए गौतम बुद्ध का कहना था कि जब तक चित्त की समुचित एकाग्रता नहीं होगी, जब तक हम क्या कर सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी को कहा गया सम्यक समाधि। तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए कौन से अष्टांगिक मार्ग है, तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी,
सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो गौतम बुद्ध इन अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन क्यों किए थे? क्योंकि दुख को क्या करना था कि दूर करना था, यानी कि दुख को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अष्टांगिक मार्ग का या मध्यम मार्ग का या मध्य प्रतिपदा मार्ग का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अब आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो क्या है, निर्वाण को प्राप्त करना, अर्थात जीवन और मृत्यु का अंत हो जाना ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया, यानी निर्वाण मतलब दीपक का बुझ जाना। तो बौद्ध धर्म में जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता था वो होता था आपको निर्वाण को प्राप्त करना, यानी कि जीवन का जो ये मुक्ति चक्र है इससे मुक्त हो जाना, जीवन की जो ये गतियां चल रही है इससे मुक्त हो जाना ही बौद्ध धर्म में कहा गया उसे निर्वाण, ठीक है। तो अपन यहां से याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो सबसे परम लक्ष्य था वो क्या था, निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो दीपक का बुझ जाना, अर्थात जिंदगी का समाप्त हो जाना, ठीक है। अब आइए अब क्या है कि गौतम बुद्ध जो थे निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए क्या किए थे कि 10 सील दिए थे। क्या दिए थे, 10 सील। तो उसमें सबसे पहले था अहिंसा। अहिंसा कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी जीव की हत्या नहीं करना, यानी कि जैन धर्म में भी क्या था, अहिंसा का महत्व था, और बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का महत्व था, लेकिन जैन धर्म जो था ज्यादा अहिंसावादी था बौद्ध धर्म के अपेक्षा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का कहना था कि किसी जीव की हत्या ना करें, ठीक है। दूसरा बात था सत्य या अमरीसा, यानी कि हमेशा सत्य बोलिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके बाद है अस्ते। अस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी वस्तु को हम देखें, उस वस्तु को हमारे मन में लालच आया छुड़ाने का, हो सकता है वो हमारे दुख का कारण बने। इसके अलावे क्या है कि हम कहीं चल रहे हैं, कोई बढ़िया सा अभी के दौर में देखिए कि हम गाड़ी देखे, काश ये गाड़ी हमारा होता, मन की लालच है। क्या है, मन की लालच है। तो यह भी एक प्रकार की क्या है, चोरी है। तो ये जो अस्ते है, अस्ते मतलब हुआ कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, तो देखिए अभी के दौर में दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपको संपत्ति है, और प्राचीन दौर में भी क्या था कि दुख का सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, संपत्ति था। तो गौतम बुद्ध का कहना था कि आप धन का संग्रह ना करें, आप इतना कमाए जितना से आप खा सके, अर्थात धन का संग्रह ना करें। तो इसी को कहा गया अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य अर्थात अपने इंद्रियों को बस में रखें। इसके अलावे नृत्य व संगीत का त्याग कर देना चाहिए हमें, यानी ऐसा कहना था गौतम बुद्ध का, क्यों, ताकि आपका निर्वाण जो हो सरल हो, ठीक है। सुगंधित पदार्थों का त्याग कर दीजिए, असमय भोजन नहीं कीजिए। अगर आप असमय भोजन करते हैं तरह तरह के विकार जो होगी वो आपके शरीर में उत्पन्न होंगे, जिससे आपको क्या होंगे, ज्यादा कष्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या कहे थे कि जो भी व्यक्ति असमय भोजन करते हैं उन्हें बहुत प्रकार की विकारें उत्पन्न होती है, इसलिए असमय भोजन न करें। उसके बाद है कोमल बिस्तर का त्याग कर दे। कोमल बिस्तर कहने का मतलब हुआ कि जो ज्यादा सुखद बिस्तर है उस सुखद बिस्तर का हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कामनी कंचन का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात स्त्रियों से हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध का क्या था, कहना था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा यह दिए गए 10 सील थे, और इस 10 सील का उद्देश्य क्या था, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति सरल से हो, इसीलिए गौतम बुद्ध ने क्या किए थे कि 10 सील का प्रतिपादन किए थे। अब आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की। तो बौद्ध धर्म में आपको 3 रत्न कौन कौन है यह जान लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में नहीं आते हैं, तो बुद्ध, धम्म, संघ के अलावे जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, कहा हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो आपको सारनाथ में दिए थे, सारनाथ यानी ऋषिपत्नम में दिए थे। और किसे दिए थे, तो जो 5 ब्राह्मण इनके साथ क्या हुए थे, तपस्या करने गए थे, उसी 5 ब्राह्मण को क्या हुए थे कि सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, और उन्ही 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध संघ का गठन किया था, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो हो काफी ज्यादा हो। क्या, तो जब इन्होंने बौद्ध संघ का गठन किया तो आगे चलकर क्या हुआ कि इस बौद्ध संघ में महिलाओं को भी प्रवेश मिला। किसको प्रवेश मिला, बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला, और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी वो आपको प्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा। कौन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला है वो आपको कौन है, तो प्रजापति गौतमी है, और प्रजापति गौतमी थी कौन, तो वह आपको गौतम बुद्ध की सौतेली मात, या आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के मौसी थी। कौन,
तो प्रजापति गौतमी, तो इन्हीं को बौद्ध संघ में क्या हुआ था, प्रथम बार प्रवेश मिला था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी थी। और यह कौन थी, तो यह आपको गौतम बुद्ध के मौसी थी या सौतेली माँ थी। तो क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिए थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने से ही उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध संघ में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, अब आइए, अब है कि बौद्ध धर्म में दो प्रकार के अनुयायी होते थे, यानी कि बुद्ध के अनुयायी जो थे वह आपको दो वर्गो में विभाजित थे। सबसे पहला क्या था, भिक्षुक था। तो भिक्षुक जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उसे हम क्या कहते थे, भिक्षुक कहते थे। अर्थात इनको घर परिवार से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, अर्थात ये सन्यासी थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध के अनुयायी जो थे या बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कितने वर्गों में विभाजित थे, दो वर्गों में। पहला कौन था, भिक्षुक, जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। दूसरा था आपको उपासक, कौन था, उपासक। तो उपासक कहने का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उसे क्या कहा गया था, उपासक कहा गया था। क्या कहा गया था, उपासक। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है, भिक्षुक जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उपासक जो आपको गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब आइए, अब क्या है कि बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत में अर्थात चार आर्य सत्य, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग, इसके अलावा दस शील, तो चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और दस शीलों के अलावे भी बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत है। तो आइए, सबसे पहले क्या था कि गौतम बुद्ध के अनुसार यह संसार जो था क्षणिकवाद था, अर्थात इनका कहना था कि संसार में जो भी चीज आया है उसका क्या होना है कि अंत होना है, अर्थात इसमें संसार में कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है। तो बौद्ध धर्म संसार को क्या माना, क्षणिकवाद माना। इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आइए, उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या था कि आपको ईश्वर की मान्यता नहीं थी, याद रखिएगा। जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी और बौद्ध धर्म में भी क्या है कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी, अर्थात गौतम बुद्ध जो थे वो क्या करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद है आपको प्रतित्य समुत्पाद। तो गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार में प्रत्येक जो जीव है उसकी उत्पत्ति किसी न किसी कारण से हुई है, अर्थात एक जीव की उत्पत्ति जो है किसी न किसी कारण से हुई है और एक की उत्पत्ति तभी होती है जब दूसरे का क्या होता है, नाश होता है, ऐसा कहना था गौतम बुद्ध का। यानी कि गौतम बुद्ध के अनुसार क्या था कि इस संसार में दूसरे जीव की उत्पत्ति तभी होती है जब एक जीव का क्या होता है, नाश होता है। इसी को कहा गया आपको प्रतित्य समुत्पाद। उसके बाद है कर्मवाद। तो गौतम बुद्ध ने कर्म फल के सिद्धांत को माना, अर्थात हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे हमें उसी प्रकार की फल मिलेगी। अनात्मावाद, अर्थात बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। गौतम बुद्ध के अनुसार ऐसा था कि जैसे ही हमारे शरीर का क्या होता, अंत होता है, आत्मा की भी क्या हो जाती, अंत हो जाती है। लेकिन क्या है कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जातक कथा, उसमें क्या है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात भी कही गई है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म में क्या था कि आत्मा की मान्यता नहीं थी, ऐसा मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन क्या था कि इस बात की जो पुष्टि होती है वो हमें जातक कथाएं से हो सकती है, क्योंकि जातक कथा में तो क्या है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात कही गई है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको यहां से क्या करना है, क्लियर रखना है। अब है पुनर्जन्म, क्या है पुनर्जन्म। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की भी क्या थी, प्रथा थी, क्योंकि अभी हम बताएं कि जातक कथा में क्या है कि आपको बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपको जाति पाति प्रथा में बौद्ध धर्म वाले जो होते थे वो क्या कहते थे, विश्वास नहीं करते थे, अर्थात बौद्ध धर्म में सभी जाति, सभी धर्म, सभी व्यवसाय के लोगों का क्या था, प्रवेश की अनुमति थी। उसके बाद है निर्वाण। तो देखिए, बौद्ध धर्म में क्या था कि जीवन का परम लक्ष्य होता था निर्वाण को प्राप्त करना, और निर्वाण का अर्थ क्या होता था, तो दीपक का बुझना, क्या होना, दीपक का बुझना ही क्या कहलाता था, निर्वाण कहलाता था। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका दीपक बुझ गया, अर्थात उसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध ने क्या किए थे कि आपको अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिए थे।